का प्रोफाइल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा हमारे साथ फेमस टिकटॉकर सहर हयात मौजूद है और टिकटिकी की टीम ईद वाले दिन भी इनके साथ टिकटिकी लगाने आ गई है। जी तो सहर, क्या हाल है आप? मैं ठीक हूँ शुक्र अल्लाह, आप बताएं। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसा जा रहा है आपका? ईद का दिन पहला है और आप लोग आ गए हैं टिकटिकी में जाने। पहला दिन है, अच्छा ही जा रहा है, घर में ही चल रहा है ईद का दिन। तो ईद वाले दिन भी आप टिकटॉक बनाएंगी, क्या क्या मसरूफियत हो गया? हाँ जी, टिकटॉक बनाऊंगी। अब घर में बैठ के तो टिकटॉक ही बनाने, और क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स आएंगे, उनको बुलाऊंगी, उनके साथ टिकटॉक बनाऊंगी और आपके साथ टिकटिकी लगाऊंगी। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपने, आपको एक्टिंग का शौक था या टिकटॉक आपने वैसे ही इंस्टॉल किया? एक्टिंग का मुझे शौक था, लेकिन मैंने टिकटॉक एज अ फनी स्टार्ट किया था। तो एकदम से इतने अचानक व्यूज आ गए आपको, तो आपको कैसा कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। मेरी एक मैंने वीडियो लगाई, वो एकदम से बहुत फेमस हो गई। उसके बाद आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह इतना फेम मिल गया मुझे, और बहुत अच्छा लगता है। तो कितना अर्सा हो गया आपको टिकटॉक यूज़ करते? मुझे 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में आपके कितने फॉलोवर्स हैं? 4.4 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं। ये अच्छी बात है कि आपने हमें बताया कि एक साल लगे आपको, वरना टिकटॉकर्स कहते हैं कि 2-4-3 महीने लगे हैं और हम इतने फेमस हो गए। सबका अपना अपना नज़रिया है, मुझे तो जितना टाइम लगा मैं उतना बता रही हूँ, मुझे इतना ही टाइम लगा और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मैं बहुत मेहनत करूँगी इंशाल्लाह। तो आपको लगता है 2-4 महीने में इतने फेमस हो जाते हैं या वो कुछ झूठ वगैरह बोलते हैं? पता है नहीं, इतने महीने में इतनी जल्दी भी कोई फेमस नहीं होता, टाइम तो लगता है। मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। सर, आपके इतने व्यूज़ हैं 4.4 मिलियन, तो प्रोफेशनली आपको किसी ने कभी हिट किया है, लाइक किसी ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म वगैरह की कहीं से ऑफर हुई है आपको? हाँ जी, ऑफर से मुझे काफ़ी जगह से हुई है, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं थी क्योंकि मेरी अपनी स्टडी स्टार्ट के साथ साथ कंटिन्यू थी और फैमिली से भी काफ़ी इशू थे मेरे, इस वजह से मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, पर इंशाल्लाह आगे मैं स्टार्ट करूँगी। अगर बॉलीवुड से आपको ऑफर आए तो आप जाएंगी? हाँ हाँ जी, ज़रूर जाऊँगी। आप प्रेफर क्या करेंगी, लाइक अगर पाकिस्तान से आपको ऑफर होती है या बॉलीवुड से? तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा, वैसे टिकटॉकर्स तो चाहते हैं कि वो बॉलीवुड जाएँ और वहाँ पर फेम अपना कंटिन्यू करें, तो आपने क्यों पाकिस्तान का? क्योंकि मैं अपनी कंट्री को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मतलब अपनी कंट्री में काम करना, किसी इंडिया में जाके काम करना, अपने पाकिस्तान, अपने वतन का नाम रोशन करो। सर, अली भट्ट के साथ तो बहुत से टिकटॉक हमने आपके देखे हैं, तो आप उन्हीं के साथ बनाना पसंद करती हैं या और फ्रेंड्स वगैरह के साथ? नहीं नहीं, अली भट्ट के साथ, मतलब एक्चुअली मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ मैं ज़्यादा वीडियोस बनाती थी, स्टार्ट भी मैंने उसी के साथ किया था, लेकिन मैं और भी अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाती हूँ, सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं बनाती मैं, और भी काफ़ी मेरे दोस्त हैं उनके साथ मेरी वीडियोज़ आई हुई हैं, बस ज़्यादा जो कंटेंट होते हैं, जो लव स्टोरी के कंटेंट होते हैं, वो अली भट्ट के साथ ही होते हैं बस। इसके पीछे कोई ख़ास वजह है या फिर क्योंकि अली और सहर का नाम हमेशा हर जगह जुड़ा रहता है, तो इसकी कोई ख़ास वजह? खास मुझे नहीं, बस हम लोग ऑन स्क्रीन कपल हैं, रियल लाइफ में हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हर किसी के साथ मेरा, मतलब मेरा अपना माइंड सेट है, मैं हर किसी के साथ लव स्टोरी नहीं लगा सकती, तो बस एक दोस्त के साथ स्टार्ट किया था तो उसी के साथ। अच्छा, स्टार्टिंग में तो आपके सोलो भी काफ़ी ज़्यादा आए थे और वो भी काफ़ी हिट हुए थे। हाँ जी बिल्कुल, अली भट्ट के साथ मैंने जब मेरा ख्याल है जब 800K हुए थे उसके बाद मैंने अली भट्ट के साथ वीडियोज़ लगाना शुरू की थी। तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा टिकटॉकर समझती हैं या अली भट्ट? हम दोनों ही अच्छे टिकटॉकर हैं, वो अपनी जगह और मैं अपनी जगह अच्छी हूँ, क्योंकि हम साथ ही होते हैं। नहीं, कोई एक तो होगा, लाइक आपकी एक्टिंग स्किल्स ज़्यादा मुझे लगता है अच्छी हैं, मगर मुझे लगता है अली भट्ट की ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, तो सर ये बताएं कि कौन से टिकटॉकर ऐसे हैं जिनके साथ आप टिकटॉक बनाना बहुत पसंद करती हैं और कौन से ऐसे हैं जिनके साथ आप बिल्कुल बनाना पसंद नहीं करती? ऐसा तो कोई ख़ास नहीं है जिसके साथ मैं वीडियोस बनाना पसंद नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर मैं अकेले वीडियो बनाना पसंद करती हूँ, और अगर मुझे कभी बनानी पड़े तो मैं अली के साथ, उमर के साथ और जन्नत के साथ पसंद करती हूँ बस। अच्छा, तो टिकटॉक से रिलेटेड कोई कुछ रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। अच्छा, कुछ नाम है सहर, आपने इनके बारे में जो आपके जहन में पहला वर्ड आता है आपने बोलना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले है हारिस। नाइस, नाइस पर्सन। जन्नत। जान। अलिशबा। क्यूट। जुल्करनैन। नाइस पर्सन। अरे नाइस क्यूट ही है, तारीफ नहीं कर सकती मैं किसी की। अच्छा, अली भट्ट। अली भट्ट कद्दू। अच्छा, मिनाहिर। प्यारी। अरिका, बहुत प्यारी। फेवरेट। रोहा। सॉफ्ट हार्टेड है वो बहुत। रुमैसा।
मिस एक्सप्रेशन। अच्छा तो सर टिकटॉक की तो हमने बहुत बात कर ली है, अब ईद का मौका है, ईद की तरफ आते हैं, तो ईद की क्या मसरूफियत रहेंगे आप? कोई मसरूफियत नहीं है, आपने जाना है मैंने सो जाना है। और मेरी मामा बहुत काम करवाने वाली है मेरे से, मैं पहले बता रही हूँ, घर पे रह के तो मैंने बहुत काम सीखा है खाना बनाने के अलावा। तो बोर नहीं हो जाती हम घर पे रह के? बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, मत पूछे, लेकिन घर वाले भी अच्छे लोग हैं। ये आपको अब पता चला है कि घर वाले भी अच्छे लोग हैं? हाँ जी बिल्कुल, घर रह के पता लग रहा है कि ये लोग भी अच्छे हैं। मतलब पहले तो मसरूफियत इतनी, सुबह जाना रात को आना, टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन अच्छे लोग हैं, पता लगा इनके साथ रह कर अच्छे लोग हैं। अच्छा तो कुकिंग आपको आती है? नहीं खाना बनाना भी नहीं आता आपको? नहीं मुझे सिर्फ चाय बनानी आती है, वो भी मैं खुद ही पीती हूँ बस। मतलब इतनी अच्छी चाय बनानी आती है कि खुद ही पीती है। अच्छा सर ये बताएं कि ईद पे किस किस को आपने इनवाइट किया है, कौन कौन सी फ्रेंड्स आपकी आएंगी, किन किन के साथ आप टिकटॉक बनाएंगी? इनवाइट तो मैंने सब फ्रेंड्स को किया, अब देखें कौन कौन आता है, क्योंकि सब भी अपने अपने घरों में है, बाहर तो कोई निकल नहीं रहा, और जो आएगा उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी, मैं तो उसको पकड़ ही लूँगी, मैं वीडियोस बनाओ और जाओ, क्योंकि और कोई काम ही नहीं है ईद वाले दिन तो बस। तो कोरोना का ख्याल भी रखेंगी, मास्क वगैरह? बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मेरी मामा बहुत ख्याल रखती हैं, घर के अंदर आते साथ इसलिए सबसे पहले तो बाथरूम जाओ, हाथ को हाथ धो, मुँह धो, पाँव धो, फिर कोई बात करनी है अगली, टिकटॉक बनाएंगे, टिकटॉक भी धो। तो खाने में क्या आज पक रहा है आपके? मैं कभी किचन में नहीं जाती, जो बनेगा मैं वो शौक से खाऊंगी। आपने खाना? आपकी पसंदीदा चीज़ कौन सी? मेरी जो मुझे आती नहीं, बिरयानी। मीठे में मुझे मीठे में सेवियाँ पसंद है। मतलब आज सेवियाँ बन रही हैं? बिल्कुल, सेवियाँ नहीं बनेंगी तो मैं तो नाराज़ हो जाऊँगी। अच्छा वैसे मीठी ईद है तो मिठाई के साथ, सेवियों के साथ, इसके बगैर तो ईद लगती भी नहीं है। तो मतलब मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती, मतलब मैं, हाँ मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, बस मुझे तो वेट है बिरयानी का, वो जिसने बनती है और मैं अपने कमरे में चल जाती हूँ बस बिरयानी लेके। अच्छा तो बिरयानी बनाना सीख लें फिर आप? नहीं मुझे गोश्त होना। अच्छा आपको कुकिंग का शौक ही नहीं है? नहीं मुझे शौक ही नहीं है कुकिंग का, मैं क्योंकि आजकल क्वारंटीन है तो लोग तो काफ़ी ज़्यादा कुकिंग कर रहे हैं और इस कुकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है लोग। हाँ जी बड़ी कोशिश की जाती है मेरे पे भी, मैं भी जाऊँ किचन में और मैं भी कुछ बनाऊँ, लेकिन मुझसे बनता नहीं है। अच्छा एक मिनट टिकटॉक तो छोड़ दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ करना, आपकी एज क्या है? मैं 12 साल की। अच्छा बहुत टिकटॉकर्स जो हैं वो माशाल्लाह 18 साल 17 साल इससे तो ऊपर आते ही नहीं है। उन्हीं की कॉपी कर रही हूँ, लेकिन मैं 22 साल की हूँ। हाँ जी मैं ना 18 की हूँ, ना 17 की हूँ, ना 19 की हूँ, मैं 22 साल की हूँ। पक्की बात? हाँ जी पक्की बात है। कसम से इस ईद के मौके पर टिकटिकी के लिए एक टिकटॉक अदर जी जी जरूर लगाऊंगी। जी तो ये थी हमारे साथ फेमस टिकटॉकर सहर हयात, जो पूरे टिकटॉक पर छाई हुई हैं। टिकटिकी की टीम ईद वाले दिन भी इनके साथ टिकटिकी लगाने आ गई थी। हमें तो बहुत मज़ा आया सहर, आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत मज़ा आया, ईद का पहला दिन था और बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अपनी होस्ट रिदा मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। हमारे साथ फेमस सिंगर कहने लगी थी, बैठ जाए बैठ के तालियां बजाएं, फेमस टिकटॉकर सहर हयात। अब मैंने दोबारा से बोलना, फेमस टिकटॉकर सहर हयात मौजूद हैं जी। तो प्रोफाइल देख के तो आपको समझ आ गई होगी, ये हमारे साथ फोन पे लगी हुई है, शर्म नहीं आती इनको। मैं फोन लगा किया मैंने, ठीक नहीं कहा यार, इसमें मक्खी चली गई है, मैं काली आ रही हूँ ना, लाइटें जलवा रही हूँ ना, इसलिए ईद का दिन पहला है और आप लोग आ गए हैं टिकटिकी में जाने। टिकटॉक का शौक पैदा कैसे पैदा नहीं हुआ सॉरी। आपकी एज क्या है? मैं 12 साल की हैं। वाह वाह रिदा क्या बात है। मुझे एक्टिंग का शौक था, लेकिन टिकटॉक मैंने एज अ फन ही स्टार्ट किया था, तो कब इतने ज़्यादा तरक्की मिल गई पता ही नहीं चला। कितना अर्सा हो गया आपको टिकटॉक यूज़ करते? मुझे 1.5 ईयर। यार तू इतना सड़ा हुआ मुँह क्यों है यार, तुम कानों में बातें ना करो। सर टिकटॉक पे तो आप और अली का फेमस कपल बहुत आए 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 यार, वो पेपर खोल के बैठे थे, मुझे हिंदी तो दे दिया कर। अली और सहर का नाम हमेशा हर जगह जुड़ा रहता है, तो इसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह नहीं, बस हम लोग ऑन स्क्रीन कपल हैं, रियल लाइफ में हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ईद की क्या मसरूफियत रहेंगी आपकी? ये तुमने मुझसे तीसरी दफ़ा पूछ ली। जन्नत जान। अलिशबा क्यूट। ये चल पड़ा सॉरी।
घर वाले बहुत फ़ायदा उठाएंगे, बहुत काम करवाएंगे, कुकिंग करवाएंगे जो कि मुझे नहीं आती और मैं नहीं करूँगी। अच्छा तो ये था